संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार निर्देशन में CARDC द्वारा संस्कार भारती ने क्रांति तीर्थ श्रृंखला के अंतर्गत श्यामलाल सरस्वती विद्या मंदिर यमुना ब्रिज में क्रांतिवीरों के बलिदानों को समर्पित लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में CARDC द्वारा संस्कार भारती ने क्रांति तीर्थ श्रृंखला के अंतर्गत श्यामलाल सरस्वती विद्या मंदिर यमुना ब्रिज में क्रांति वीरों के बलिदानों को समर्पित लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। क्रांति वीरों के बलिदानों को समर्पित लोकगीत प्रतियोगिता में कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम आयोजकों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। आज इस विद्यालय में भैया बहन देशभक्ति लोकगीत प्रतियोगिता के रूप में संपन्न कर रहे हैं। इसका उद्देश्य जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसमें बहुत से क्रांतिकारी जो गुमनाम हैं, जिनको कोई याद नहीं करता है, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है और इसके नाम दिया है क्रांतिवीर। देखिए, अभी तक जो पूर्व में हमारी सरकारें रहीं तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो जिन क्रांतिवीरों के द्वारा हमारे ये देश की आज़ादी मिली और देश की आज़ादी का कोई पर्व बनाना चाहिए, लेकिन 2014 में हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने 75वें वर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस आयोजन को किया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य उत्तम सिंह ने क्रांति तीर्थ श्रृंखला की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गुमनाम क्रांतिकारियों का योगदान कम नहीं है। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।